दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी स्वागत है। दोस्तों आज लिक्विड डिटर्जेंट बनाना सीखेंगे। आज सुबह सुबह एक कमेंट आया था कि सर लिक्विड डिटर्जेंट जब बना रहे हैं ना, लास्ट में जब हम लोग परफ्यूम ऐड करते हैं तो पतला हो जाता है, ठीक है। तो आज एक नया तरीका सीखेंगे, परफ्यूम ऐड भी करेंगे लेकिन पतला नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसके ठीक राइट साइड में एक बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों ये वीडियो जो है अनकट वीडियो है, पूरा आप ए टू जेड आपको देखने को मिलेगा। पूरा 100% फॉलो कीजिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और एक बात है, ऑनलाइन क्लास शुरू ही होने वाला है, ऐसा ही अच्छा अच्छा प्रोडक्ट आप अपने घर में ही बना सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे, मेरा नंबर जो है नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस नंबर में आप कॉल करके या व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं। और एक बात है दोस्तों, एसिड सैलरी मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, आप अगर एसिड सैलरी के ऊपर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और हर प्रोडक्ट में एसिड सैलरी एक वाइटल चीज़ होता है, ठीक है। जैसे कि ये जो है, ये एसिड सैलरी हमने पहले से न्यूट्रलाइज करके रखा है। और एसिड सैलरी को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है, आपने अगर देखा नहीं है तो मेरा आगे का वीडियो देख के आइएगा, ठीक है। आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज ये लिक्विड डिटर्जेंट बनाते हैं, ओके। अनकट वीडियो है तो आगे थोड़ा कर देते हैं ताकि कोई भी चीज़ आपको मिस ना हो जाए, ठीक है। अच्छा से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए ये एक खाली हुआ, खाली एकदम एम्प्टी ब्रेकर है, इसमें हमें क्या करना है, पानी ऐड कर देना है। पानी थोड़ा सा इसको ऊंचा कर लेंगे, इसको चला देंगे, थोड़ा स्पीड हाई है। हल्का करके चलाएंगे, सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, हमें परफ्यूम को ऐड कर देना है। ये परफ्यूम है, ठीक है, ऐड कर दिया, थोड़ा मिक्सिंग हो रहा है, देखिए मिक्सिंग हो रहा है, देखिए थोड़ा धुंधला सा हो रहा है। अब इसमें ये जो एसिड सैलरी है, मतलब न्यूट्रलाइज किया हुआ है, इसको इसमें ऐड करेंगे। ये मिक्स होते होते हमें क्या करना है, इसमें एसएलएस ऐड कर देना है।
थोड़ा सा ऐसे लिए एसिड सैलरी और ये जो मिश्रण है ये खराब ना हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें प्रिजर्वेटिव डाल देना है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। लगभग मिक्सिंग हो चुका है। ठीक है, ये गाढ़ा हो जाए तो इसके लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एसटीएल ऐड कर देंगे इसको गाढ़ा करने के लिए। थोड़ा बढ़ा देंगे, इसमें दोस्तों थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करना है कपड़े में नमी आने के लिए, थोड़ा सा देने से ही काफ़ी होता है। इसका पीएच भी हम लोग चेक करेंगे, इसका पीएच कैसा हो रहा है। थोड़ा सा चला देंगे जोर से मिक्सिंग। ये थोड़ा चेक करेंगे हम लोग, देखिए डिटर्जेंट हो रहा है, तो इसके लिए ये 8-9 के बीच है, 8 ही है लगभग, देखिए। ठीक है, तो पीएच इसका बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा साइटिक एसिड डाल सकते हैं। ठीक है, पीएच इसका मेंटेन हो जाएगा। इसका अच्छा थिकनेस लाने के लिए इसमें आप एसटीएल डाल सकते हैं, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें आप वो नमक भी डाल सकते हैं। ठीक है, गाढ़ापन थोड़ा और भी बढ़ाना है हमें, थोड़ा गाढ़ा करना है हमें। अब इसमें दोस्तों आप कलर ऐड कर सकते हैं, परफ्यूम तो ऐड किया ही हुआ है। ठीक है, बस कलर ऐड करके मार्केट में आप
सिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, ये ट्रांसपेरेंसी पूरा बिल्कुल आ जाएगा इसमें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उसमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, बाय बाय।